एक जादूगरनी जो अपनी खूबसूरती और अपनी जवानी को बरकरार रखने के लिए करती है इंसानों की बलि, जिसने पूरे देश में मचाती है खलबली। बिजली, ज्यादा न्यूज ना आग गड़ाकर देखना चाहिए, टीवी फूट जाता है। ये देखिए, मासूम सी दिखने वाली ये लड़की असल में खुखार औरत है, जो कि अपनी खूबसूरती के जाल में सीधे साधे इंसानों को फंसा लेती है और फिर उन्हें कहीं दूर ले जाकर उनके साथ बेरहमी से उन्हें तंदूर बना देती है। ए बिजली रानी, अरे हम तुमको पोछा मारने के लिए कहे हैं, कुआं खोदने के लिए नहीं। एक ही जगह पे पोछा मारती रहोगी, पूरा घर बाकी है। और ये सुबह सुबह समाचार देख के अपना विचार खराब मत करो, चलो काम करो काम। आगे देखिएगा आखिर क्या है इसके मंसूबे और क्या चाहती है ये जादूगरनी। तो देखते रहिए हमारा टीवी चैनल टीवी अप टू डेट, आपका अपना चैनल। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये देखो। अरे चाची, बहुत सही अम्मा। चलो, हो गया काम, चाची जा रहे हैं। अरे अरे अरे, रुको 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 रुको, काम हो गया मतलब कहाँ कहाँ, कुछ भी तो नहीं किए। अब इतने में इतना ही काम होगा चाची, पूरे घर में पोछा लगवाना है तो पैसा बढ़ा दो, समझी। का मतलब? मतलब एक जितना काम का आप 100 रुपया देती है ना, वो डाकू चाची 1000 रुपया देती है हमको। हाँ, महंगाई बढ़ रहा है लेकिन आपका कीमत वहीं पे अटका हुआ है। यहाँ पोछा घस घस के जान दे कि वहाँ काम करें। चाय भी अच्छा मिलता है और टीवी भी हाई क्वालिटी का है। अरे रखो रखो, नीचे रखो। तुम लोग बिना ज्यादा जुबान मत चलाओ, ये तुम्हारा टीवी देखो, पोछा मारो और फिर जाओ। यम्मा, डर गई क्या बिजली से? सूत्रों से पता चला है कि ये खुखार औरत अमावस्या के दिन किसी हमशक्ल का शिकार करेगी और वो अब शहर में घूम घूम कर हमशक्लों को तलाश कर रही है। तो हो जाइए सावधान और देखते रहिए टीवी अप टू डेट। नमस्कार। बाबा जी ने जो मुर्ग आसन बताओ है जे बहुत कठिन है। जवान थे तो जे सब यूं यूं कर लेते थे, अब बुढ़ापे में। डार्लिंग, जे धोबी का गधा बेचारा बीमार हो गया, इसीलिए जे कपड़े लेने ना आ रहा है। अब जे बताओ का करे। जे ठीक है, अपने लाल को भेज दो, जे कगधों से कम है का। अच्छा मजाक कर लिया, बड़ी हंसी आई। डार्लिंग, हमारे बेटे को गधा मत बोलो, लंबी रेस का घोड़ा है, इंडरस्टूड? अरे बाप रे, अरे तू तो आइए है, दुई टांग वाला घोड़ा है ना। चुप, बहुत मजाक कर लिया। अब जे सब कपड़े बिजली को 1000 रुपीज दे के हमें धुलवाने पड़ेंगे। ओह माय गॉड, मुझे गई कहाँ? हाँ डार्लिंग, जे देखो सरेंडर की जेब से मिला है, लगता है उसकी गर्लफ्रेंड का फोटो है। हाँ? गर्लफ्रेंड? अरे लगता है जे लौंडा बाप का नाम डुबोगा। हम भी जे ही सोच रहे, ऐसी लड़की सरेंडर को कैसे पसंद आ गई? जो कहावत सुनी हो ना कि दिल लगा गधी से तो परी का चीज है। जानू मेरी जान, दिल में मचा है तूफान, मेरे जन्म जन्म के साथी, तू दिया और मैं बाती, मैं बन जाऊं नागिन और तू बन जा सपेरा, दोपहर को मिलकर ले लेते हैं फेरा, आना जरूर। वाह डार्लिंग, इतना रोमांस करने का मन कर रहा है तो टेबल को साक्षी मान के फिर से फेरा ले लेते हैं 7 बार हैं। जे हम ना बोल रहे, लिखा है इसमें सरेंडर के लिए। ये तुम पढ़ रही थी इतना मूड में? जब वही तो हम सोचे कि इतना घटिया तरीके से तुम रोमांस तो ना कर सकती हो। टिंग टिंग टिंग, जे हम भी यही सोच रहे, इतना घटिया तरीके से रोमांस कोई लड़की कैसे कर सकती है। लेकिन है कहाँ तुम्हारा वो जासूस? पता नहीं, कहीं फेरे फिरने तो नहीं चला गया। जे कोई बात नहीं, चलो बाहर जो है खजूर खाते हैं, धूप सेकते हैं, चलो 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 चलो। अरे दादा, जय भवानी। कुर्ता कहाँ रखी हमारा?
देखो बबुआ कैसा सारा कुछ यहाँ पे बिखार के रखा है। ओफो, पढ़ने लिखने में तो एक नंबर का जीरो और किताब तो ऐसा फैला रखा है जैसे कोनू विद्वान है। फोटो वो भी लड़की का, कहीं वो लड़की तो नहीं जिससे बबुआ फोन पे बात करता रहता है, हैं? ये क्या है? चिट्ठी प्रियतम, रोमांटिक, मैं ही पढ़ूंगा। प्रियतम कहूं या दिलभर कहूं? हे राम, जब से तुझे देखा है मेरा दिल एक मंदिर और तुम देवता बन गए। मंदिर देवता, पूजा पाठ वाली लगती है। अच्छा अच्छा पढ़ो पढ़ो। मेरे प्राण प्रिय, तेरे बिन अब हम कैसे जिए, आजा आजा। ये लड़की दलील भैया से बहुत प्यार करती है, पेन से नहीं सीधा इमोशन से ही लिख डाला है, वो भी बिना कंट्रोल रखे। पढ़ दो। जानू ए, ए, च, 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 तुम नहीं पढ़ते, अब बहुत छोटे हो तुम, तुम हमको दम पर नहीं पढ़े, अब बहुत शैतान हो भवंडर तुम, पढ़ो। तुम तो सबको ज्ञान का पाठ पढ़ाते हो। पाठ? हमरा बबुआ पाठ? आगे? कभी हमें भी प्यार इश्क और मोहब्बत का पाठ शुद्ध हिंदी में पढ़ाने आ जाओ। मेरे इश्क के प्रोफेसर। प्रोफेसर? हे भवंडर, ये चिट्ठी तो प्रोफेसर साहब के लिए है, एलएलबी के लिए नहीं। ए माता रानी, हम लूट गए, बर्बाद हो गए, अब हम क्या करें? खजूर खाया करो। हमरे उतरे गिर जाएंगे, हमको पता ही नहीं था। चाची बाहर हंगामा मत करो, भवंडर मच जाएगा। हमारी ही गलती है, हम ही जोर जोर से पढ़ दिए। ना ना भवंडर बबुआ, तुमरा कोनो गलती ना है, गलती तो हमरे नसीब का है। हिमगिरी बाबा हमको उठा लो। अरे देखो, ई उम्र में प्रोफेसर साहब जो है इश्क फरमा रहे हैं, ये कोनो बात हुई? अरे जब बहू घर में लाना चाहिए, वो गर्लफ्रेंड पे गर्लफ्रेंड पे गर्लफ्रेंड घर पे लेकर आ रहे हैं। छी, अरे अब जिसके पति को घर में मान सम्मान प्यार ना मिलेगा, वो बेचारा बाहर तो ढूंढेगा ही ना, उसमें पति की क्या गलती है? एकदम सही बोली। जे तुम्हारे लिए ना था। अरे अम्मा पहले बात तो समझने दो, क्या हुआ, फटाफट गर्मा जाती हूँ यार, पप्पा ऐसा ना कर सकते। 25 साल हो गए बबुआ, यही हम समझते रहे कि वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, अब तो देख रहे कि वो तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे इंसान के अंदर क्या चलता है वो हमको क्या पता। ए जमुना मैया, हमको ना अपने साथ बहा ले जाओ, हम परेशान हो गए, अब हम और जीना नहीं चाहते, हमरे ऊ तो चबानी के कीचड़ में लौट रहे हैं। अरे अरे जई बात तो हम पहले से ही कह रहे हैं भाभी कि प्रोफेसर का चरित्र ठीक ना है, आज प्रमाण मिल गया है। चुप हो जाइए, आते ही हम दो ही गोली रसीद कर देंगे जय को। अच्छा आपको प्रमाण देने की जरूरत ना, खजूर खाओ। तुम भी शांत हो जाओ, किसी के फटे में गोली मत अड़ाओ। वैसे भी आजकल सबके सब मैन भरोसे के लायक ना है, एवरीबॉडी कैरेक्टरलेस। अरे जो जरूरी है मोहल्ले वाले के सामने डांटना फटकारना, खजूर मक्खी लग रही, खाओ देखो मक्खी। चाची प्रोफेसर चाचा ऐसा नहीं कर सकते। हाँ बिजली, कुछ लोग हमारे जैसे होते हैं जो वक्त आने पर सब कुछ कर सकते हैं। पापा हाँ? अब मामला संभालो ना, गांव बसाने के लुटेरे आ गए। हाँ? जा खजूर ना मिलेगा तुझे। एलएलबी बाबू, मामला बहुत संगीन लग रहा है, कह रहे हैं पहले प्रशासन को तह तक जाकर तहकीकात करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा ये लड़की आखिर है कौन।
दे बंडे फोटो दे। लड़की सुंदर है। गिली 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 चू चू। इतने हम शकलों की बलि चढ़ाई है हमने, इतने दिनों से एक हम शकल नहीं मिल रहा है हमें, एक हम शकल नहीं मिल रहा है। कैसे बरकरार रखूंगी मैं अपनी खूबसूरती को? मुझे खूबसूरत होना है, और भी खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि पूरी दुनिया मेरी खूबसूरती पर अपनी जान लुटा दे, अपनी जान लुटा दे मेरी खूबसूरती पर। जैसे अभी आपकी खूबसूरती के लिए हम जान लुटा रहे हैं। लास्ट रहेंगे, फोन कट जाएगा। हेलो हेलो। हाँ जल्दी बोलो, क्या बात है? अच्छा अभी बताते, अभी बताते। हमारे दो आदमी जंगल से हमशक्ल लेकर आए हैं आपके लिए। पूजा की तैयारी शुरू कीजिए, सूरज डूबने में ज्यादा समय नहीं है। वाह 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 वाह, क्या अच्छी खबर लाए हो तुम। आज तो कयामत की रात है, जश्न की रात है। नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, धूम मचाएंगे। आज मैं अपने सपनों को साकार करूंगी, बड़ा मजा आएगा। बाबा, मेरे बाबा खुश होंगे, वरदान देंगे, और फिर मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाऊंगी, सबसे खूबसूरत लड़की। सबसे खूबसूरत। बिज्जू, बिजली, ये तुम्हारी सहेली है क्या? खास है क्या जो रो रही हो? ये बिजली हुआ का? बोलो। ए बिजली, अरे हुआ का है बताओ ना, इस काहे चौकी हुई हो? हाँ बाबू, बिजली प्रशासन तुम्हारे साथ है, समझो बात को। अरे बोलती काहे ना है, बोल ना, टेल टेल। इतना बड़ा बड़ा आँख है तुम्हारा, उसमें से आंसू टाइप का निकल रहा है, बोलो बोल तो दो रोने से पहले। अरे ये तो रो रही है, इनकी आँख देखो। ए बेटा, हम भी तो वही बोल रहे हैं, रो रही है। हम का फारसी में बोले थे का? नहीं दरोगा जी, पता ही बहुत खतरनाक लड़की है, चाचा बहुत खतरे में, बचा लो चाची। आप कैसे जानते हो बिजली जी? आप इनसे मिल चुकी हो? प्रभु, हमरा पति को बचा लो, पूरा 10 किलो लड्डू हम चढ़ाएंगे, हमरा सिंदूर उजड़ने मत दो प्रभु। कैसा अनाप शनाप बोल दिया, हम अपना भगवान जैसे पति के लिए है, हमको माफ करो भगवान, हमको बचा लो। अरे अम्मा, ये अम्मा, एक मिनट चुप रहो, एक मिनट शांत हो जाओ, चट से गरमाने लगती हूँ यार, एक मिनट चुप रहोगी? ए बिजली, पूरी बात का है, बस साफ साफ बताओ। ए भैया, ये लड़की ना न्यूज में आ रही थी, अरे सुबह चैनल में ब्रेकिंग न्यूज था, वही तो हम देख रहे थे जो आप बंद कर दी, कुछ याद आया? ये देखिए, मासूम सी दिखने वाली ये लड़की असल में खुखार औरत है, जो कि अपनी खूबसूरती के जाल में सीधे साधे इंसानों को फंसा लेती है, और फिर उन्हें कहीं दूर ले जाकर उनके साथ बेरहमी से तंदूर बना देती है। ए भगवान, रे भाई, ऐसी ही एक लड़की की रिपोर्ट हमारे थाने में आई है, पूरी गाजियाबाद पुलिस उसके पीछे पड़ी है। हाँ चाचा, ये बड़ी डेंजर लड़की है, इसीलिए तो बिज्जू आजकल हम लड़कियों से बात करना छोड़ दिए हैं। हाँ दरोगा जी, वो बहुत खतरनाक है, इना हम सकल लोगों को मार के उसका खून पीती है चाची। अरे बिजली, का बकवास कर रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। बाबू एलएलबी, बिजली जो है बकवास नहीं कर रही है, एकदम सही बोल रही है। एक जुड़वा साइको किलर लड़की है, टन्न से मारती है, आदमी भन्न से मर जाता है। देखो
जेब से मिला है, लगता है उसकी गर्लफ्रेंड का फोटो है। डार्लिंग, डार्लिंग, ए, सरेंडर, अरे, मैं बेटा सरेंडर, कहाँ गया बेटा, सामने आना, ये डार्लिंग, हमारे बेटा, हमारे लाल, हमारे सोना को लेके आओ ना, ए, डार्लिंग, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो, हाँ चाची, वो तो रखना पड़ेगा ना। अभी ऐसी हालत में चाची को ये भी नहीं कह सकते कि इमोशंस पे कंट्रोल रखो। परेशान मत करो, ये क्या करेगी हमारे सरेंडर के साथ, हमें ले चलो ना उसके पास, प्लीज। कुछ ना होगा हमारे लाल को, हिम्मत रखो थोड़ा सा, कुछ ना होने देंगे, भरोसा रखो। जे ही तो ना है तुम पे, ये जादूगर नहीं है। जे केहू भी हो, हम पताल से खोज लाएंगे, तुम ठीक रहो बस, और कुछ ना कहना चाह रहे हैं हम, पताल से खोज लाएंगे हम भाई। चाचा ये भी तो पता करना पड़ेगा ना कि वो कौन से पताल में ले गई है, ये जानना भी जरूरी है। जी हाँ बेटा, सही कह रहे हो तुम। अम्मा, 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 यार अम्मा कहाँ चली गई हमारी, अम्मा। लल्लू भैया, चाची पहाड़ी वाली माता के पास पहाड़ी पे गई है। का? हाँ, जाते हुए मैं दुकान पे आई थी, पूजा का सामान ली और कह रही थी कि जब तक एलवी के पापा लौट के नहीं जाते तब तक तपस्या करेगी। ए यार मुसीबत पे मुसीबत, एक तो पप्पा का प्रॉब्लम, ऊपर से अम्मा हमार, का करें भगवान। अब करना क्या होगा, ढूंढना पड़ेगा। हाँ चलो चलो। वाह बेटा वाह, गजब सुपरमैन की तरह तड़ाक से आ गया तू। बहुत अच्छे बाबू, बहुत अच्छे, इतना हिंट काफी है पहला कदम उठाने के लिए। हम सकल्स, अरे ओ चचा, बुला 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 बुला, अरे ओ भाई, ए भाई, चच्चा कौन है? रजय दरोगे, क्या बोला बेब? कुछ नहीं, यही बोले चच्चे पढ़ा, हम और क्या बोलेंगे। चच्चा हम कह रहे थे कि दोनों का पता चल गया कहाँ पर है, हैं? उनके जो है ये लोकेशन का डिटेल और लास्ट में फोन कहाँ पर बंद हुआ था, पहाड़ी का नाम है मंगला पहाड़ी, मंगला पहाड़ी पे, चच्चा मंगला पहाड़ी। पर सर ये तो बहुत खतरनाक जगह है, हमने सुना है मानव बख्शी रहते वहाँ पे। बाबू सबसे पहले तो जान ले जगह नहीं जगह है, हैं? और चच्चा चिंता वाली कोनो बात नहीं है, पूरा फोर्स लेकर जाएंगे चच्चा वहाँ पे, देखना। राज जब तक तुम्हारी फोर्स वहाँ तक पहुँचेगी, हमारे लौंडे को जय नरबक्षी पक्षी समझकर गटक लेंगे।